Hello guys, my name is Ram and today we will discuss about long word and short word method and center line method. यह हमारा estimation का method होता है. दो method जिसके बारे में हम पिछले lecture में पढ़ चुके हैं, short word long word method और second था center line method. ठीक है, तो आज हम इसी base पर हम एक question solve करेंगे दोनों method से. ठीक है, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या गिवन है. निम्न दिए गए चित्र में आइटम की गणना करनी है. ठीक है, तो पहला चीज क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट क्या करना है, नीव में खुद मृदा की खुदाई यानी एक्सकावेशन वर्क इन फाउंडेशन. नीव में मृदा की खुदाई का क्वांटिटी पता करना है. दूसरा चीज क्या है, पीसीसी वर्क इन फाउंडेशन. नीव में पीसीसी का कार्य कितना हुआ, इसको ये पता करना है. सेकेंड चीज क्या है, डीपीसी एट लिंथ लेवल. ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, ब्रिक वर्क इन सुपर इन सब स्ट्रक्चर. और दूसरा है सुपर स्ट्रक्चर यानी नीचे वाली ग्राउंड लेवल के नीचे कितनी ब्रिक वर्क हुआ है और उसके ऊपर कितना ब्रिक वर्क हुआ है. ठीक है, इसके बारे में देखने वाले हैं. तो हम डायग्राम में देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है ये हमारा डीपीसी है, डैम प्रूफ कोर्स. ये बात पहला कोर्स है यानी फर्स्ट रद्दा है, सेकेंड है और ये फोर्थ है. यानी क्या कहते हैं इसे, खसका कोर्स कहते हैं जिसे. ठीक है, पहला खसका, सेकंड, थर्ड. ठीक है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, याद रखना है ये ग्राउंड लेवल है. उसके बाद में ये प्लिंथ लेवल है. ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, ये प्लिंथ लेवल है, उसके ऊपर ये वॉल बनी हुई है हमारी. हम यहां पर एक रूम दिया गया है जिसका डायमेंशन दिया है 4 मीटर × 4 × 3 मीटर. ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अगर हमको सेंटर लाइन मेथड से ज्ञात करना है तो पहले सेंटर लाइन मेथड से अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, बीच में एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे. इसकी शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल दोनों, मतलब इसमें दोनों साइड की दीवार को पता कर लेंगे. यानी कि दीवार की लंबाई सेंटर लाइन, लेंथ ऑफ सेंटर लाइन, इसका जो जो डॉटेड कर दिए हैं इसका लेंथ हमें पता करना है. ठीक है, तो जो ये लंबाई होने वाली है, जो जिसकी लंबाई, ये लंबाई जितनी आने वाली है वही तो ये लंबाई होगी, सेम है ना. तो जो ये लंबाई आने वाली है वही सेम ये भी लंबाई होगी. ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, 4 मीटर ये लिया, ये दिया है. यानी देखेंगे ये 4 मीटर मुझे गिवन है अंदर वाली दीवार. ठीक है, अंदर वाली से दीवार की लंबाई दी है और ये 3 मीटर गिवन है. ठीक है, यानी इनसाइड इनसाइड की दी है वैल्यू. ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ये हॉरिजॉन्टल वाली है ना, अगर देखें तो ये हॉरिजॉन्टल में है ना, तो इसको मान लो H से हम डिनोट कर देते हैं H, और ये वर्टिकल वाली तो ये इसे V से डिनोट कर देते हैं. तो इसकी टोटल वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, H की कितनी वैल्यू होगी, तो कैलकुलेट कर लेते हैं H की. कैलकुलेट करेंगे वैल्यू कि H की वैल्यू, तो पहले हमें पता है क्या, 3 मीटर ये नहीं, 4 मीटर ये गिवेन ही है और ये बढ़ गया है, ये इतना बढ़ गया है. यानी कि इस जो दीवार की मोटाई है इसका आधा बढ़ा देंगे इधर, आधा बढ़ा देंगे इधर. तो लिख लेते हैं 4 मीटर, ये तो मुझे पता है इसके दीवार का आधा मोटाई का 0.3/2 सेंटीमीटर है ना, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 हो जाएगा, प्लस ये भी 0.3 मीटर है यानी 30 सेंटीमीटर, तो इसको भी हाफ कर लेंगे 3/2, तो इसकी कितनी हो जाएगी, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी 1.5-1.3 यानी 4.3 मीटर एच की वैल्यू आ गई. अगर हम देखेंगे तो टोटल एच की वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगा ना. तो अभी देख लेते हैं पहले वी, वी वी याद कर लेते हैं, जो इसको वी माने थे तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं क्या होगी. तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है 3, तो इसके दीवार की आधी, इसके दीवार की मोटाई की आधी, तो लिखेंगे 3 + 0.3/2 + 0.3/2, तो ये कितना हो जाएगा 3.3. तो टोटल सेंटर लाइन लेंथ ऑफ सेंटर लाइन कितना आएगा, लेंथ ऑफ सेंटर लाइन यानी ये जो डॉटेड लाइन खींचे हैं बीच बीच की, ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक टोटल. ठीक है, तो हो जाएगा इसका 2 टाइम्स यानी एच का 2 टाइम्स, ये एच और ये एच, ये वी और ये वी, यानी सबका 2 टाइम्स. तो 2 टाइम्स दोनों का एड कर देंगे, 4.3 प्लस ये 4.3 है प्लस 3.3, देखेंगे तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी,
7.6 को 2 टाइम्स कर देंगे आ जाएगा 15.2 मीटर, 15.2 मीटर। ठीक है, अब देखेंगे किससे सॉल्व करने जा रहे हैं, हम अभी सेंटर लाइन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं क्योंकि अभी हम सेंटर लाइन का लेंथ ही ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंटर लाइन मेथड वी आर सॉल्विंग अकॉर्डिंग टू सेंटर लाइन मेथड लिखेंगे टेबल एक बना लेंगे यहां पर टेबल बना लेंगे यहां पर लिखेंगे सीरियल नंबर सॉल्ट नंबर, दूसरा चीज डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि क्या चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे मेजरमेंट या नंबर्स लिख दें, नंबर्स ऑफ आइटम, नंबर्स ऑफ आइटम। नेक्स्ट होगा मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स भी क्या आएंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यही जाएगा मेजरमेंट्स। ठीक है, इसमें एल यानी लंबाई, लेंथ, विड्थ, हाइट या डेप्थ भी हो सकता है, अगर नीचे है गड्ढा है ग्राउंड लेवल के नीचे है तो उसे डेप्थ कहेंगे। तो ये चीज हो गई, उसके बाद में कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी, क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एलबीएच सबको मल्टीप्लाई करा देंगे क्वांटिटी। और ये हमारा नेक्स्ट रहेगा रिमार्क। ठीक है, तो सीरियल नंबर फर्स्ट पॉइंट में क्या पूछा है सॉल्व, पहले फर्स्ट में क्या पूछा है, एक्सकवेशन वर्क इन फाउंडेशन। ठीक है, मृदा की खुदाई, फर्स्ट में मृदा की खुदाई पूछा है, एक्सकवेशन वर्क वर्क इन फाउंडेशन, नींव में खुदाई का कार्य। आइटम तो एक ही है यानी पूरे दीवार को एक ही मान लिए हम, पूरे को जोड़ दिए थे, लंबाई कितनी आई थी सेंटर लाइन की लेंथ, ये आई थी 15.2 मीटर, 15.2। विड्थ कितनी होगी, विड्थ हमको पता है, ये देखो अगर जो नीचे की है, नीचे की है उसी को ही पूरा तो ग्राउंड लेवल तक यानी खोदेंगे ना, तो कितना रहेगा 90 सेंटीमीटर, तो इसे लिख लो 0.9 मीटर। ठीक है, सब मीटर में रहेगा, मीटर में लिख लो, सब मीटर में है मीटर। ठीक है, यूनिट सब मीटर में ही रहेगा मेजरमेंट। अब देखो क्या करेंगे, अब डेप्थ की बात कर रहे हैं, तो डेप्थ की बात कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल तक तो पूरी खुदाई करेंगे मिट्टी की ना, यानी यहां तक ये, तो कितना हो जाएगा 30 + 4 = 20 + 20 यानी 2 2 4 3 7 कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर यानी कि 0.7 मीटर, 0.7 मीटर। सबको मल्टीप्लाई करा दो यहां पर क्वांटिटी में एलबीएच करके, इसमें क्वांटिटी में लिख दो एल बी इंटू एच, सबको मल्टीप्लाई करा दोगे कितना आ जाएगा 9.576 मीटर क्यूब, कैलकुलेट करने के बाद में आ जाएगा इतना। ठीक है, तो हम इस क्या कैलकुलेट किए कि मृदा की फाउंडेशन में कितनी खुदाई की है। ठीक है, सेकंड चीज देखो, सेकंड पॉइंट क्या पूछा था, सेकंड पॉइंट पूछा है पीसीसी वर्क इन फाउंडेशन, लिखो फिर पीसीसी वर्क इन फाउंडेशन, न्यू में पीसीसी का वर्क कितना हुआ है देख लेते हैं। ये हमारा कंक्रीटिंग कितने में हुआ है, सिर्फ इतने में, यानी कितना, लंबाई तो वही रहेगी क्योंकि पूरे दीवार को एक ही मान लिए हम, तो 15.2 मीटर ये तो लंबाई होगी। विड्थ कितनी होगी, विड्थ इतनी ही होगी इतनी, ये गिवन है। ठीक है, ये पीसीसी वाला वर्क 0.9 मीटर। हाइट कितनी होगी या डेप्थ कितनी होगी, ये है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि इतने में ही हो रही है ना, इसकी कितनी है गहराई 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद में आ जाएगा मेरा 4.104 मीटर क्यूब। ठीक है, 4.104 मीटर क्यूब। अब देखेंगे डीपीसी डैम प्रूफ वर्क। ठीक है,
डीपीसी की बात कर लेते हैं, थर्ड हमारा डीपीसी, इसमें हम थिकनेस को 25 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं, 25 नहीं तो 25 mm, ठीक है, mm थिक। इसकी होगी लेंथ कितनी होगी, लेंथ तो उतनी ही होगी 15.2। डीपीसी को किस में मेजर करते हैं, हमको पता है मीटर स्क्वायर में, ठीक है, यानी स्क्वायर मीटर में। तो क्या कर लेते हैं इसमें, इसके थिकनेस को छोड़ देते हैं, यानी थिकनेस को यानी डेप्थ या हाइट को जो भी, इसको स्किप करके चलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, लेंथ कितनी होगी 15.2 मीटर, विड्थ कितनी है, विड्थ हमारा 0.3, यानी ये हमारी पूरी 0.3, इसी की तो बात कर रहे हैं। तो बिट्स ले लेते हैं 0.3, और थिकनेस को कंसीडर नहीं करते हैं। ये जो बिट्स बिट्स ले रहे हैं, बी बी ये बी ये बी ये जो बी है, ये बिट्स यहां से आया, देखो यहां से जितने में वाल हमारा है, यानी कि वाल की जो मोटाई रहेगी ऊपर, यहीं पर तो लेंगे डीपीसी का वर्क लेंगे, ठीक है, डीपीसी का वर्क ही लेंगे, ठीक है। ये विड्थ होगी, यही हमारी दीवार की जो विड्थ होगी हमारी वही होगी, यानी दीवार की विड्थ कितनी है, देखो 30 सेंटीमीटर की बन है, यानी 30 सेंटीमीटर की बन है, तो कितना होगा 30 सेंटीमीटर, यानी 0.3 मीटर, ठीक है। गलती हो रही थी अभी तक, ये जो बता रहे थे ये नहीं होगा, ये होगा वाल की, जो वाल की मोटाई होगी वही होगा ये विड्थ, और थिकनेस इसमें कितना कांस्टेंट मान लिया, यानी इसमें क्या कहते हैं डीपीसी को हमेशा स्क्वायर मीटर में कंसीडर करते हैं, इसलिए इसका थिकनेस नहीं लेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों को, 15 दुना 45 यानी, और 3 दुनी 6 कितना हो जाएगा 4.56 मीटर क्यूब, 4.56 मीटर क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछा है, फोर्थ नंबर में पूछा है ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल के नीचे है, यानी देखो जो ग्राउंड लेवल के नीचे है इसमें ब्रिक वर्क बताओ, ग्राउंड लेवल के नीचे कितनी है, यही है, इसके नीचे ये है, तो इसमें क्या करना है हमको बताना है ब्रिक। तो एक एक करके बता देते हैं, क्योंकि एक कोर्स ये है, यानी एक रद्दा ये है, दूसरा ये है, ठीक है, एक कोर्स ये है, दूसरा कोर्स ये है, ठीक है। तो दोनों स्टेप को एक एक करके देख लेते हैं, पहला कितना है, फर्स्ट रहेगा हमारा 15 पॉइंट, कितना है लेंथ तो वही रहेगा, कितना जो ये टोटल लेंथ लिए हैं 15.2 मीटर, ठीक है, तो इधर स्पेस नहीं है, तो फिर नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। तो इसमें फोर्थ नंबर में दिया है, फोर्थ नंबर पर दिया है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन अप टू प्लिंथ लेवल, यानी प्लिंथ लेवल तक हम तो कंसीडर करना है, प्लिंथ लेवल तक कंसीडर करना है, यानी कहां तक, ये लेना है, ये रद्दा पूरा लेना है, ये दूसरा रद्दा लेना है, ये प्लिंथ लेवल बोल दिया है, अप टू प्लिंथ लेवल तक। देखो क्या पूछा है, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन अप टू प्लिंथ लेवल, अगर प्लिंथ लेवल ना बोला होता तो क्या करते, तो इस वाले रद्दे को छोड़ के करते, ठीक है, बोल दिया है अप टू प्लिंथ लेवल, अप टू प्लिंथ लेवल, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप एक स्टेप मान लो, इसको मान लो, एक दूसरा इसको मान लो, तीसरा इसे मान लो, ठीक है, एक एक करके, तो तीनों को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट लेंगे मान लो फाउंडेशन या स्टेप फर्स्ट मान लो, पहले वाले को, यानी पहले वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि इस वाले की बात कर रहे हैं, इसकी, इसमें क्या है, लेंथ तो उतनी रहेगी सेम, क्योंकि पूरे को मान लिया गया है, क्योंकि इसको मैंने पूरा सेंटर लाइन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो लेंथ तो पूरी सेम रहेगी, ठीक है, लेकिन विड्थ हमारी 60 सेंटीमीटर होगी, और डेप्थ या हाइट कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, पहला स्टेप में, स्टेप फर्स्ट में 15.2 मीटर, क्या है 15.2 मीटर है लेंथ, विड्थ कितनी देखो, विड्थ दी है 60 सेंटीमीटर, ये देखो 60 सेंटीमीटर की बन है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है, तो लिखेंगे 0.6 मीटर, डेप्थ कितनी है, ये 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर,
तीनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद में हमारा वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आएगा 1.824 मीटर क्यूब। ठीक है, इसकी आ गई इतनी। स्टेप सेकंड की देख रहे हैं, सेकंड स्टेप में देखेंगे, यानी सेकंड स्टेप में इसकी बात कर रहे हैं, पहला रद्दा हो गया, सेकंड की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, 15.2 मीटर लेंथ तो सेम रहेगा, लेकिन जो विड्थ है, ये विड्थ कितनी दी है इसमें, 50 सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे 0.5 मीटर। हाइट कितनी दी है, देखो ये 20 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 0.2 मीटर। मल्टीप्लाई करा देंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करा देंगे एलबीएच को, तो कितना आएगा, 1.52 मीटर क्यूब। स्टेप थर्ड में देख लेते हैं, यानी इस वाले को देख रहे हैं, इसमें 40 सेंटीमीटर क्या है विड्थ है, वो हाइट है 45 सेंटीमीटर। तो स्टेप थर्ड में देख लेते हैं, मतलब तीसरे वाले स्टेप की बात कर रहे हैं। हाइट तो नहीं, लेंथ तो सेम रहेगी, 40 सेंटीमीटर विड्थ है, 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 मीटर, डेप्थ दी है 45 सेंटीमीटर यानी 0.45 मीटर। मल्टीप्लाई कराने के बाद में आ जाएगी इसकी वैल्यू 2.736 मीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि अभी ये क्या, किसकी हम किसका कैलकुलेशन किए हैं, ब्रिक वर्क का, अप टू प्लिथ लेवल तक का ब्रिक वर्क का। ठीक है, तो तीनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि जो ब्रिक वर्क होगा हमारा सब स्ट्रक्चर में, उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ऐड करके देख लेते हैं। ऐड करेंगे 6 4 10 के 0 3 2 6, नहीं 3 2 5, 5 2 7 1 8, 8 2 10, यानी 7 5 12, 12 8 20, 0 2 2 4 1 5 6, यानी टोटल मिला के 6.0.8 मीटर क्यूब इतना गया है। ठीक है, ये हमारा किस चीज का आया है, ब्रिक वर्क का कैलकुलेशन किए हैं अप टू फ्लिंथ लेवल तक। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, पांचवा स्टेप था, पांचवा पॉइंट जो कैलकुलेट हमें करना था, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, यानी प्लिंथ लेवल के ऊपर कैलकुलेट करना था हमें। ठीक है, कि सुपर स्ट्रक्चर में कितना ईंटा लगा है, तो उसको भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है ब्रिक वर्क, यानी चिनाई का काम, यानी ईंट की चिनाई का काम, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अब यह इसकी बात कर रहे हैं, यानी इसके ऊपर ये प्लिंथ लेवल के जो ऊपर वाली चिनाई हुई है, इसमें कितनी हुई है, कितने ईंटे लगे हैं, ठीक है, या कितने क्यूबिक मीटर ईंटे लगे हैं, तो उसको देख लेते हैं। कितनी है हमारी, उसकी जो सेंटर लाइन की लेंथ जो होगी वो तो सेम ही होगी, क्योंकि इतने पूरे में काम हो रहा है, तो उसको लिख लेंगे 15.2 मीटर। विड्थ कितनी रहेगी, 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर, लेकिन हाइट कितनी है, 3.2 मीटर है, 3.2 मीटर है। तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कितना आ रहा है, आ रहा है 14 पॉइंट, यानी 14.59 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेशन था। फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन हमको पूछा था, दिए गए चित्र में बताया था आइटम की गणना करनी है, क्या बोला था, एक्सकैवेशन वर्किंग फाउंडेशन पता करना है, पीसीसी वर्क इन फाउंडेशन, डीपीसी एट प्लिंथ लेवल, ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर अप टू प्लिंथ लेवल, अप टू प्लिंथ लेवल। ठीक है, ये चीज कैलकुलेट कर लिए हैं। पांचवा, अभी पांचवा स्टेप कर लिए, ये भी कैलकुलेट कर लिए हैं। 3 1 4, 4 स्टेप ही हो गए थे, 3 स्टेप। पहला क्या हो गया था, ब्रिक वर्क, एक्सकावेशन वर्क यानी मिट्टी की खुदाई का काम, दूसरा था पीसीसी वर्क, ठीक है, फिर थर्ड था डीपीसी वर्क, फोर्थ था हमारा ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क कहां तक का, अप टू प्लिंथ लेवल तक का, तो इसमें तीन तीन स्टेप तक सॉल्व करे हैं, यानी कि जो ये हमारा वर्क हुआ था
ये जो नीचे डीपीसी की गई थी उसके जस्ट ऊपर तीन, एक दो तीन लेयर तक थी, उसके ऊपर प्लिंथ लेवल आ गया। उसके प्लिंथ लेवल तक का ब्रिक वर्क कैलकुलेट करना था हमें। इसका ब्रिक वर्क कैलकुलेट कर लिया कितना, 6.08 मीटर क्यूब। ऊपर वाले का कैलकुलेट कितना आया, 14.59 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर लाइन मेथड से था। इसको हम सेम कैलकुलेट कर सकते हैं शॉर्ट वॉल एंड लॉन्ग वॉल मेथड से। तो देख लेते हैं शॉर्ट वॉल एंड लॉन्ग वॉल मेथड भी इसी वक्त। ठीक है, तो क्वेश्चन तो सेम है बट मेथड चेंज हो जाएगा। तो उसमें शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल मेथड के लिए हम क्या करते हैं, पहली चीज लॉन्ग वॉल कैलकुलेट करते हैं कि लॉन्ग वॉल कौन सी होगी और शॉर्ट वॉल कौन सी होगी। तो मुझे पता है ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है, और इसमें क्या है, इसको ऐड कर लेंगे तो और वैल्यू बढ़ जाएगी, ये शॉर्ट वॉल वैल्यू 3 मीटर ही रह जाएगी। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि लॉन्ग वॉल की कितनी वैल्यू आ जाएगी, शॉर्ट वॉल की कितनी वैल्यू आएगी। तो देख लेते हैं, लॉन्ग वॉल लिखेंगे, लॉन्ग वॉल अगर हम 4 मीटर दिया है, पहले ऑलरेडी 4 मीटर दिया था, ठीक है, प्लस, तो यहां पर लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड में क्या करेंगे, दोनों में लेंथ है यानी शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। हर एक चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमको अलग अलग शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें क्या बताया था, ये हमारा लॉन्ग वॉल हो जाएगा और ये हमारा शॉर्ट वॉल जो छोटी दीवार है ये। ठीक है, तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये हमारा कितना आएगा, ये 3 पॉइंट और 0.5, 0.15, 0.15, यानी आधा आधा इधर जुड़ गया, तो 3.3 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, और ये इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4.3 मीटर। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं स्टार्टिंग में क्या पूछा है, फर्स्ट चीज पूछा है, फर्स्ट पॉइंट क्या पूछा था, पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या पूछा था, एक्सकावेशन वर्क इन फाउंडेशन, नींव में खुदाई। ठीक है, नींव में खुदाई का कार्य हमें डायग्राम दिया था। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एक्सकावेशन वर्क इन फाउंडेशन, यानी खुदाई का कार्य किसमें, फाउंडेशन में, न्यू में। एक्सकावेशन वर्क इन फाउंडेशन, न्यू में खुदाई का कार्य, फाउंडेशन। लेकिन इसमें क्या होगा, लॉन्ग वॉल ज्ञात करना, शॉर्ट वॉल दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा हर एक चीज में। तो लॉन्ग वॉल लिखेंगे, लॉन्ग वॉल कितना आएगा, शॉर्ट वॉल कितना आएगा, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं लॉन्ग वॉल कितना आएगा हमारा, लॉन्ग वॉल कितना आएगा, अभी यहां पर क्या कैलकुलेट किया था, 4.3 आएगा ये 4.3 आएगा। ठीक है, ये हमारा 4.3 आएगा। देखो इसमें लॉन्ग वॉल में ये हमारा, ये लॉन्ग वॉल हमारा ये ही तो होगा, 4.3 आएगा। 4.3 में कितना ऐड करेंगे, विड्थ को, विड्थ कितनी है हमारी, एक्सकावेशन कितनी चौड़ाई में कर रहे हैं, 90 सेंटीमीटर में कर रहे हैं, यानी 0.9। लॉन्ग वॉल कितना हो जाएगा, 4.3 प्लस 0.9 मीटर, कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट करने के बाद में आ जाएगा 9, 3, 9, 10, 11, 12, यानी 5.2 मीटर। ठीक है, अब अभी यहां पर सिर्फ एक ही वॉल को कैलकुलेट किया है ना, यहां पर दो से मल्टीप्लाई करा देंगे नंबर्स ऑफ आइटम में। ठीक है, तो एक कॉलम और ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं नंबर्स ऑफ आइटम, क्योंकि यहां पर लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल अलग अलग कैलकुलेट करें है ना, अलग अलग कैलकुलेट करें, एक वॉल की लॉन्ग वॉल, एक वॉल की बात है ये लंबाई। ठीक है, और शॉर्ट वॉल देख लेते हैं, शॉर्ट वॉल कितना होगा, इसे 0.9 ही घटा देना है, कितने में, कितने में, कितना कैलकुलेट किया था, 3.3 माइनस 0.9 घटा दो, इसमें कितना आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा ना, 2.4 मीटर। और कितने लॉन्ग वॉल कितनी रहेगी, दो लॉन्ग वॉल रहेगी ना, दो शॉर्ट वॉल भी रहेगी, लंबाई कितनी रहेगी, लॉन्ग वॉल की लंबाई कितने ज्ञात किए हैं, 5.2, शॉर्ट वॉल की 2.4 कैलकुलेट करे हैं। विड्थ कितनी होगी, विड्थ तो मुझे पता है कितनी, 0.9 मीटर, 0.9 मीटर दोनों में। हाइट कितनी रहेगी, हाइट देख लो, एक्सकावेशन कितनी करनी है हमको, मिट्टी की खुदाई ग्राउंड लेवल तक करनी है ना, यानी कि यहां से लेके यहां तक मिट्टी की खुदाई करनी है, कितनी है ये 30 है प्लस 20 प्लस 20, यानी 70 सेंटीमीटर, यानी 0.7 मीटर, 0.7 मीटर, और ये भी 0.7 मीटर,
कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे तीनों को, एलबीएच को और ये इसको भी, नंबर ऑफ आइटम को भी, एलबीएच इंटू ये नंबर ऑफ आइटम टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक दीवार इधर की, एक दीवार देखो एक इस दीवार की कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों दीवार के एक साथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो दो से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करने के बाद में हमारा इसकी वैल्यू आएगी 6.552 मीटर क्यूब, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, कराएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.024 मीटर क्यूब है ये, ठीक है। ये किसकी किए हैं, एक्सकैवेशन वर्क इन फाउंडेशन, अभी मिट्टी की खुदाई शॉर्ट वाल और लॉन्ग वाल दोनों की किए हैं, ठीक है। आप दोनों को ऐड कर लेते हैं कि कितनी टोटल हो गई, यानी सबका टोटल ज्ञात कर लेंगे कितनी मिट्टी की खुदाई की इसमें, तो टोटल कितना आ जाएगा, देखो दोनों को ऐड कर लो 6 3 9, और टोटल आएगा हमारा 9.576 मीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मिट्टी की खुदाई कहां पर, फाउंडेशन पे, न्यू पर, ठीक है, न्यू में। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड क्वेश्चन पूछा था पीसीसी वर्क इन फाउंडेशन, पीसीसी वर्क, तो लिखो पीसीसी वर्क इन फाउंडेशन, यानी न्यू का कार्य, न्यू में पीसीसी का कार्य, तो क्या होगा, लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लो, लॉन्ग वाल दूसरा शॉर्ट वाल, इसको हम रिमार्क में दिखा देते हैं लॉन्ग वाल कितनी आई, शॉर्ट वाल कितनी आई, तो यहां पर कैलकुलेट कर लो, लॉन्ग वाल मुझे पता है 4.3 में कितना ऐड कर दें इसकी विड्थ को, विड्थ कितनी है इसकी, विड्थ इसकी कितनी है, विड्थ इसकी है, देखो इसमें पीसीसी वर्क ना, पीसीसी वर्क कितने, लॉन्ग वाल हाँ ठीक है, पीसीसी वर्क कितना है इसकी, इसकी कितनी है विड्थ बी, ये थिकनेस 90 सेंटीमीटर है ना, तो 90 सेंटीमीटर ऐड कर दो, 0.9 ऐड कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 3 12, यानी 5.2 मीटर, ठीक है। शॉर्ट वाल देख लो, शॉर्ट वाल आएगा इसी 3.3 में से सब्सट्रैक्ट कर दो 0.9 को, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.4 मीटर। अच्छा ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ऐड क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब इस दीवार को बढ़ाएंगे ऊपर तो क्या है, यही वाला तो बचेगा, यानी कि इसकी ये घट जाएगी, विड्थ जितनी रहेगी दीवार की, जैसे जिस चीज जो वर्क कर रहे हैं, जैसे इसमें क्या, कौन सा वर्क कर रहे हैं, पीसीसी वर्क, इसमें ये बढ़ जाएगा वो लॉन्ग वाल में, ठीक है, दोनों साइड, और ये घट जाएगा ना, ये बीच का बचेगा, जैसे कि ये है, इसमें पूरे में काम करा दिए, इसमें पूरे में काम करा दिए, तो इसकी वैल्यू घट गई ना, ये घट गई ना एज कम्पेयर टू इसके, नहीं तो ये अगर ये करा देते तो ये बढ़ जाती, तो सेम चीज ही, ठीक है। लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल, तो कितने लॉन्ग वाल होंगे, दो वाल लॉन्ग वाल होगा, शॉर्ट वाल कितने होंगे, दो शॉर्ट वाल होंगे, कितनी, ठीक है, लंबाई कितनी है 5.2, ये 2.4, विड्थ कितनी है 0.9, क्योंकि पीसीसी वर्क की बात कर रहे हैं, तो पीसीसी वर्क में विड्थ यही, तभी तो वहां ऐड किए हैं, ये देखो पीसीसी वर्क में विड्थ 90 सेंटीमीटर, और कितनी की डेप्थ कितनी है 30 सेंटीमीटर, यानी 0.3। इसको देख लेंगे कैलकुलेट करने के बाद में आ जाएगा हमारा 2.808 मीटर क्यूब। इसको देख लेंगे 1.296 मीटर क्यूब। देख लेंगे पीसीसी का वर्क टोटल कितना हुआ, टोटल ऐड कर लो दोनों को 4.104 मीटर क्यूब, ठीक है, ये हमारा पीसीसी का टोटल वर्क हो गया। थर्ड पॉइंट क्या था, तीसरे में क्या पूछा था, थर्ड स्टेप में, तीसरे में पूछा था हमसे, इसमें पूछा था ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन अप टू प्लिंथ लेवल तक, यानी इसमें तीन स्टेप जो किए थे सॉल्व, यानी अलग अलग स्टेप में तीन कोर्स करे थे तीनों रद्दे को अलग अलग, ठीक है। तो उसी को हम ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन देखेंगे, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, फाउंडेशन न्यू में ईंट का कार्य अप टू प्लिंथ लेवल, अप टू प्लिंथ लेवल तक जाना है, यानी कि यह देखो डायग्राम में देख सकते हो,
अप टू प्लेस लेवल तक, यानी कि इसका एक बार कैलकुलेट करना है फर्स्ट रद्दे को, ये सेकंड है ये थर्ड है, तो पहले वाले को करेंगे फिर सेकंड वाले को फिर थर्ड वाले को। तो इसमें फर्स्ट वाले में जैसे स्टेप फर्स्ट मान लो देख रहे हैं, स्टेप फर्स्ट कौन से इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें हम बताए थे लॉन्ग वाल होगा जो फर्स्ट में ही ऑफसेट फर्स्ट या स्टेप फर्स्ट में लॉन्ग वाल कितनी आएगी देखो, शॉर्ट वाल देखो कैलकुलेट करो कितनी आएगी। तो लॉन्ग वाल देखते हैं, लॉन्ग वाल कितनी है 4.3 प्लस कितना ऐड करते हैं 0.6 है ना, यही तो ऐड करोगे 0.6 बिट्स ही तो ऐड करोगे, 639 यानी 4.9 शॉर्ट वाल में बिट्स घटा दो यानी 3.3 जो थी उसमें से 0.6 घटा दिए, वैल्यू आ गया हमारा 2.7 मीटर। ठीक है, तो लिखो यहां पर कितने हैं लॉन्ग वाल रहेंगे, दो लॉन्ग वाल दो शॉर्ट वाल। ठीक है, तो लिख लो कैलकुलेट करने के लिए, मीटर इतना है 4.9 मीटर, ये 2.7 मीटर, बिट्स कितनी है 60 सेंटीमीटर यानी 0.6 और ये 0.6, डेप्थ कितनी होगी ये 20 सेंटीमीटर है दोनों, तो यानी 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करने के बाद में हमारा ये आ जाएगा 1.176 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा 0.648 मीटर क्यूब। ठीक है, ऐड करने के बाद में 1.824 मीटर क्यूब हो जाएगा। सेकेंड स्टेप की बात कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में देखते हैं लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल, लॉन्ग वाल की लंबाई और शॉर्ट वाल की लंबाई। ठीक है, ये भी दो वाल होंगी, शॉर्ट वाली भी लॉन्ग वाल भी दो होंगी, तो लॉन्ग वाल में देख लेते हैं कितना पता है मुझे 4.3 प्लस कितना विड्थ ऐड करेंगे 50 सेंटीमीटर यानी 0.5, तो कितना हो जाएगा 4.8 मीटर। शॉर्ट वाल कितना हो जाएगा, शॉर्ट वाल हो जाएगा हमारा कितना था 3.3 में से कितना घटा दे 0.5 कितना बचेगा 2.8 8 मीटर। ठीक है, 2.8 मीटर बचेगा, तो इसको यहां पर पुट करेंगे यानी 4.8 और ये 2.8, कितनी विड्थ है 50 सेंटीमीटर, ये देखो विड्थ है, सेकेंड वाला स्टेप की बात कर रहे हैं 50 सेंटीमीटर विड्थ है ना, तो 50 सेंटीमीटर की जगह 0.5 लिखो 0.5, हाइट लियो कितनी है 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 कैलकुलेट करने के बाद में देखो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करा देंगे तो 0.96 मीटर क्यूब और ये होगा 0.56 मीटर क्यूब। ठीक है, थर्ड स्टेप देख लेते हैं, स्टेप थर्ड में देख लेते हैं, स्टेप थर्ड में हमारी लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों को कैलकुलेट पहले करेंगे, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल। अच्छा, इसे कैलकुलेट कर लो एक बार कि दोनों को ऐड कर लो कितना आएगा 1.52 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका लॉन्ग वॉल देख लो, थर्ड स्टेप वाले का लॉन्ग वॉल कितना आएगा, कितना ऐड करना है 4.3 में कितना ऐड करें इसकी विड्थ का, विड्थ कितना है 40 सेंटीमीटर यानी 0.4, तो कितना आ जाएगा 4.7 मीटर। शॉर्ट वॉल देख लेते हैं, शॉर्ट वॉल कितना आएगा 3.3 में से कितना घटा दें 0 इसकी विड्थ को यानी 0.4 को, कितना आ जाएगा ये 2.9 मीटर। ठीक है, कितने शॉर्ट वाले होंगे, दो लॉन्ग वाले होंगे 4.7 इसकी लंबाई है और इसकी 2.9 है, विड्थ कितनी है 40 सेंटीमीटर है दोनों की। ठीक है, तो 0.4 सेंटीमीटर विड्थ है, हाइट कितनी होगी 45 सेंटीमीटर, देखो ये इसके थर्ड वाले नंबर की बात कर रहे हैं, थर्ड स्टेप की 45 सेंटीमीटर है ना, तो 0.45 और ये भी 0.45 होगा। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे तीनों को, सबको मल्टीप्लाई करा देंगे नंबर टू टाइम्स कर देंगे 1. तो ये आ जाएगा हमारा 1.692 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा शॉर्ट वाला आ जाएगा 1.044 मीटर क्यूब, ऐड कर लेंगे इसको कितना आ जाएगा
1.426 और 426 4 9 4 13 3 6 और 1 7 6 और 1 हासिल 7 2.7 3 2.7 3 6 आ गया ठीक है। अगर इसको देखें टोटल, इसको ऐड कर लें अर्थवर्क फर्स्ट वाले स्टेप को, सेकंड वाले को ऐड कर लें, थर्ड वाले को ऐड कर लें, तो देख लेते हैं टोटल टोटल ब्रिकवर्क इन फाउंडेशन अप टू प्लिंथ लेवल। तो लिखेंगे टोटल अर्थवर्क इन फाउंडेशन अप टू प्लिंथ लेवल, टोटल लिखेंगे इसमें टोटल अर्थवर्क इन फाउंडेशन अप टू प्लिंथ लेवल कितना होगा। तीनों तीनों को ऐड कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, इसको इसको तीनों को ऐड कर लेते हैं, देखो कितना आ रहा है, 6 4 10 12 यानी 2, 2 और 5 नहीं ये 0 है ना, ठीक है तो 4 और 6 10 0 हो गया, 3 और 6 9 9 2 11 और 1 12 2 8 और 8 5 13 8 5 13 और 7 20 हो जाएगा, 20 और पहले से बचा हुआ कितना 1 ऐड कर लेते हैं तीन। तो तीनों को ऐड करने के बाद स्टेप फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को थर्ड वाले तीनों को ऐड करने के बाद में आएगा 6.080 मीटर क्यूब आएगा हमारा ये ठीक है। यानी अर्थवर्क जो किस्मर अर्थवर्क जो किए हैं फाउंडेशन में अप टू प्लिंथ लेवल तक 6.08 मीटर क्यूब आया है ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं चौथा। तो नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क देख लेते हैं कितनी होगी ठीक है। तो इसमें क्या बोला था, शॉर्ट लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों को कैलकुलेट करना है हमें, लॉन्ग वॉल और सेकंड चीज क्या करना है, शॉर्ट वॉल को भी कैलकुलेट करना है। देखा था यहां पर लॉन्ग वॉल जो हमारा आएगा, लॉन्ग वॉल 4.3 है, इसमें क्या ऐड करें विड्थ को, कितने को, सब स्ट्रक्चर के, यानी कि अब इसकी बात कर रहे हैं प्लिंथ लेवल के ऊपर आ गए, प्लिंथ लेवल के ऊपर क्या है हमारी वॉल है, तो वॉल की कितनी है थिक विड्थ 30 सेंटीमीटर, तो इसमें 0.3 ऐड कर देंगे यानी कितना हो जाएगा 4.6 मीटर। शॉर्ट वॉल देखते हैं, शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल में हो जाएगा 3.3 में से 0. सबस्ट्रैक्ट कर दो यानी कितना आ जाएगा 3 मीटर ठीक है। अब देखते हैं इसमें लॉन्ग वॉल की कितनी होगी लंबाई, नंबर साफ आइटम, ये तो दो रेट रहेंगे ठीक है, दो दो दीवारें दोनों साइड रहेंगी ना आमने सामने। लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 4.6 मीटर, 4.6 मीटर। विड्थ कितनी होगी, विड्थ मुझे पता है ये देखो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर ठीक है, तो 0.3 मीटर। हाइट कितनी होगी, हाइट हमें गिवन है 3.2 मीटर ठीक है, 3.2 मीटर गिवन है तो 3.2 मीटर। शॉर्ट वॉल में भी देखो सेम होगा, लेंथ चेंज होगा 3 मीटर होगा, विड्थ कितनी होगी 30 सेंटीमीटर यानी 3 मीटर 0.3 मीटर, हाइट कितनी होगी 3.2 मीटर। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में कितना आ जाएगा टोटल, टोटल हमारा आ जाएगा सुपर स्ट्रक्चर में लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल, तो लॉन्ग वॉल में आ जाएगा तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सबको 2 टाइम्स कर देंगे तो आ जाएगा 8.832 मीटर क्यूब ठीक है। सेकेंड चीज तो इसकी इसको कैलकुलेशन करेंगे 5.76 मीटर क्यूब, इसको सबको ऐड कर देंगे कि कितना ब्रिक वर्क हुआ हमारा किसमें सुपर स्ट्रक्चर में, तो ऐड करने के बाद में टोटल आ जाएगा वर्क किसमें, सुपर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं उसमें आ जाएगा, ऐड कर लेंगे दोनों को आ जाएगा 14.592 मीटर क्यूब ठीक है। तो हमारा अब मैच करा लेते हैं एक बार शॉर्ट वॉल मेथड और लॉन्ग वॉल मेथड की, दोनों से आंसर सेम आ रहा है कि कुछ डिफरेंट आ रहा है ठीक है। तो हमने यहां पर देख लेते हैं, फर्स्ट स्टेप से देख रहे हैं एक्सकावेशन लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में देख रहे हैं ये ठीक है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में, और ये हमारा दूसरा है जो पहले किया था सेंटर लाइन मेथड से ठीक है। तो दोनों को मैच करा के देखते हैं, दोनों का सेम सेम आंसर आ रहा है कि कुछ डिफरेंट हो रहा है। तो पहला में क्या किया था एक्सकावेशन वर्क इन फाउंडेशन क्या कितना आया है 5.976 मीटर क्यूब, इसमें 5.976 आ गया है ना, तो इसमें कैलकुलेट कर इसमें देख लेते हैं सेंटर लाइन मेथड में कितना आया था, इसमें भी एक्सकैवेशन वर्क इन फाउंडेशन आया था कितना 9.576
7 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि दोनों में आंसर मैच कर रहा है, दोनों बराबर बराबर आ रहा है। दूसरा चीज क्या था, पीसीसी वर्क इन फाउंडेशन, पीसीसी वर्क कितना आ रहा था 4.104 मीटर क्यूब। इसमें देख लेते हैं पीसीसी वर्क कितना आ रहा है, इसमें भी पीसीसी वर्क कितना ही आ रहा है, लगभग 4.104 मीटर क्यूब। ठीक है, अगला हमारा क्या है, ब्रिक वॉल ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन अप टू प्लिंथ लेवल तक, यानी तीन, इसमें स्टेप वन ज्ञात किए, स्टेप सेकंड ज्ञात किए, स्टेप थर्ड ज्ञात किए और सबके कैलकुलेशन को ऐड किए, इसमें आ रहा था आंसर हमारा 6.080 मीटर क्यूब। ठीक है, इसमें क्या आ रहा था हमारा, इसमें देख लेते हैं हम, इसमें हमारा आया था ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन अप टू प्लिंथ लेवल, इसमें भी कितना आ रहा था 6.080 मीटर क्यूब, इसमें भी सेम आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अभी कैलकुलेट जो किए हैं ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर में कितना है कैलकुलेशन 14.592। ठीक है, इसको भी मैच करा लेते हैं ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर में, इसमें भी आया है 14.59 मीटर क्यूब। ठीक है, यानी आंसर दोनों के मैच कर रहे हैं, दोनों मेथड किसी भी मेथड से सॉल्व करें हम आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, आज हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा दोनों मेथड से, पहला लॉन्ग वॉल मेथड से, दूसरा शॉर्ट वॉल मेथड से। ठीक है, अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में हम आंसर करें, ठीक है, हम उसका आंसर जरूर देंगे। थैंक यू।